जी हाँ युवा दर्शकगण, आज के जवान कार्यक्रम दिखत हो जा अभी के संगे। और जैसे कि है जा ई वक्त हमने रुजबैल स्थित रुजबैल डीएवी कॉलेज में है जा, और है जा एक बहुत ही भव्य ओपन डे का आयोजन हुआ था। तो ई वक्त हमने के साथ एक जवान लड़की है पूर्णाशा अदिति मोहाबेर, ओकर संगे आज हमने बतियाव जा। सबसे पहले नमस्ते पूर्णाशा। नमस्ते। अभी पूर्णाशा हमने के ई बतावा कि जिन है जा जिन ओपन डे के आयोजन हुआ था ओकर पाछे मकसद का है। हमने देखा था जा कि हमने दयावे रोजबेल में है सर जिन आर्य सभा के तीसर लेकुल है। आर्य सभा के लिए कुलवा इताबली हुलबा वैदिक धर्म और वैदिक कल्चर के प्रोपागेट करके, और आज है जिन ओपन डे वा हमने करत हैं सर हुए मकसद वा से करत हैं सर। और हमने जन लोग के एविते कर ली हैं सर जिन हमने के आर्य सभा के जन बा और जिन है ले कुलवा के जन होवन सर, और दूसर जगह से जन के एविते कर ली हैं सर ताकि हमने से कब सर उन लोग के रीइन्फोर्स करे, उन लोग के प्रमोट करे ताकि उन लोग वैदिक धर्म और वैदिक शिक्षा के तरफ बढ़ियन सर। जैसे देख ले हवा कि हमने के जिन है ले कुलवा बा लाइन डेनियर फौज हो रहा और है लाने वहाँ हमने कोशिश करा थे सर कि हमने के और जिलेव मिली ताकि हमने से कब सहेली कुलवा के और बड़ा बनाए और सक्सेसफुल बनाए, और हमने के और जन हमने के जन हमने के समाज में जन हवन सर जो नए सिकलन सर अपन एग्जाम में करे काहे कि वो लोग फेल हो गए सर दूसरे अटैम्प में भी, तो है ले कुलवा वो लोग के है चांसवा दे है अपॉर्चुनिटी वा दे कि वो लोग सेकेंड सर अपन एग्जाम में फिर से करे और अपन लावी में सक्सेसफुल हो। जी हाँ बिल्कुल, है जा ई बात की पुष्टि हुआ था कि नौजवान के सशक्तिकरण के खातिर जरा हमने एम्पावरमेंट बोली वाला सा है जा है कॉलेज में हुआ था। कॉलेज जिन रुजबैल में स्थित बते हैजा वेद मंत्र पाठ भी होवेला। पूर्णाशा हमने के बतावा कि वेद मंत्र पाठ काहे हैजा ओकर बढ़ावा हुआ था। जैसे कि हमने जानी ला सर कि वेद मंत्र पाठ वही हमने के फाउंडेशन है जिन हम मानिला और आर्य सभा भी मानिला है छिचुआ कि जिन नौजवान वेद मंत्र पाठ नहीं जानेला हो नौजवान वा जितना डिग्री से खिले ले जितना ले एजुकेशन से कि ओकरा मिल जाए परंतु उस जीवन में ओकर कमी हो कुछ के हो और हो वेद मंत्र पाठ वा ओकर जीवन में ओकरा बहुत आगे तक ले जाए। जैसे कि हमने बोली ला सर एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो हो वेद मंत्र पाठवा एगो आदमी के खाली एगो लिटरेट आदमी के एजुकेटेड बनावेला। जैसे कि हमने जानी ला सर कि वेद जो है वो हमने के सेक्रेट बुक्स है, हमने के बुक ऑफ रूल है, और ये हमने के चाहे हो वेदवा में से जो मंत्र बा ओकरा जाने के हमी नहीं सकब सर चार वेद के सब मंत्र जाने परंतु जो बेसिक मंत्र है जो हमने के चाहे अपन एवरीडे लाइफ में ओकर इस्तेमाल करे के हो मंत्र बा हमने के बहुत अनिवार्य है जाने के। और हमने काहे है ओपन डेवा के आयोजन ऐसे कर ली सर काहे कि बहुत जवान बोले लन सर कि हम जब जाएला एगो क्लास में तो खाली वेद मंत्र आपके पाठ होला और बहुत बोरिंग होला है वो बोरिंग वा के इस्तेमाल करे लन सर, तो हमने ऐसा एगो प्रोग्राम के आयोजन कर ली है सर ताकि जन जवान वा बा उसे कि अपन लामूजमा जैसे कि अपन से कि अपन ओकर खाए पान के बाहर जैसे कि खाए पान करे जैसे खाए और से कि जूस सब पिए है सब करे अपन कामगार लोग संगे से कि इंटरैक्ट करे और साथ साथ में से कि वेद मंत्र पर ध्यान दे और ओकरा पढ़े, तब ऐसे जैसे कि बोल जाए को कंजूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट हो चाहत है सर क्रिएट करे। जी हाँ बिल्कुल, जो न कंजूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बाते है जा डीएवी कॉलेज में छागल बाते, और अब देखब जा एगो बहुत ही सुंदर प्रस्तुति वेद मंत्र पाठ के। ॐ भर्गो देवस्य धीमहि
अब हमने के ई बतावा पूर्णाशा कि हैजा हमने देखा था हैजा कि बहुत सारे जवान ठेकेदार हवन जा हैजा अपन अलग अलग पैदावार के बिक्री करत हवन जा ओकर पाछे ओकर मकसद का है। तो जैसे कि हमने देखिला सर कि जब हमने के जवान लोग लोग यूनिवर्सिटी पार कर लेवेलन सर या लेकुलवे पार कर लेवेलन सर कॉलेज चुन बोला सर हमने तो उन लोग के काम नहीं मिलेला और हो सैतन बबुआ में वो लोग बहुत फ्रस्ट्रे हो जालन सर कहे कि वो लोग अपन माँ बाप पर एगो नहीं बोले बोझ बन जालन सर परंतु वो लोग के बूढ़ा माँ बाप इतना तक पढ़ैले होवन सर वो लोग के तो वो लोग के जिम्मेदारी बन जाला कि वो लोग भी जो फैमिली बजट में कंट्रीब्यूट करियन सर। तो हमने है सोचली है सर कि हमने के नहीं चाहे हर दम अपन देश के ब्लामे करे कि काम नहीं बा हो नहीं बा और हमने के जवान के नहीं चाहे देश पर जो हर रिलाई करे के ताकि वो लोग ओकर खातिर पोस्ट जो है आयोजित करियन सर ताकि ओकरा काम मिली हाईवे एक हाईवे के मकसद से हमने एंटरप्रेन्योरशिप जो है एगो सब्जेक्ट जो हर कॉलेज में मिलेगा हमने ओकरा एगो नेक्स्ट लेवल तक ले जावत हैं सर है ओपन डे के जरिए जहाँ पर हमने के खुद के जो नौजवान बा है लिकुलवा के जो एचिजों हवन सर वो लोग अपन से चीज बेचत हवन सर जोन बा खाई के चीज पका के सिंपल चीज पका के बेचेलन सर या पौधे बेचत हवन सर या ऑक्सीजनल जो चीज है जो उन लोग के पसीन बा करे के वही करत हवन सर ताकि उन लोग के एगो कॉन्फिडेंस मिली कि हम से कब कि हमरा काम नहीं मिली फ्यूचर में तो हम से कब ई करे एगो टेम्पररी मोमेंट के लिए ताकि हम अपन अपन माँ बाप पर अपन सोसाइटी पर एगो बोझ नहीं बनब या हम ऐसे भी नहीं बैठल रहब और हम फ्रस्ट्रेटेड नहीं हो जाब। और जैसे हमने इंग्लिश में बोली ला सर एगो बहुत फेमस प्रोवर्ब बा कि एन एम्प्टी माइंड इज़ अ डेविल्स वर्कशॉप तो हमने से कब सर तो है एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए हमने के नौजवान से कि कर्मट रहे लाइक एक्टिव रहे और वो लोग जो सोशल इविल्स पा ला द्रोग ये सब ला द्रोग सुइसाइड ये सब में नहीं पढ़ियन सर तो है वे मोटिव से हमने है ओपन डेवा के आयोजन कर ली सर ताकि वो लोग के है ओवेज जवा मिली है प्लेटफॉर्म वा मिली नहीं तो दूसर प्लस में हमने के जन के है प्लेटफॉर्म वा नहीं मिली। जी हाँ बिल्कुल आता युवा ठेकेदारी अपन आप में एक बहुत ही दिलचस्प और ही मजबूत क्षेत्र बातें हाइजा बहुत सारे जो नौजवान बातें वो लोग अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग पैदावार की बिक्री खतर करत हो अंजा और अपन हाथ से खुद के जो न कारोबार बातें वो लोग शुरू करत हो अंजा तो देखा जा जिन युवा बातें वो लोग पौधारोपण करत हवन जा अलग अलग प्लांट बातें तो कहे हैजा प्लांट के इतना ज़्यादा महत्व देवत हवन जा तो प्लांट जो है वो हमने के अन्नदाता है एगो एगो स्वरूप से जो नॉनवेज हवन से लोग के थोड़ा दूसर हो परंतु नॉनवेज और वेज दोनों लोग प्लांट खा लें सर तो प्लांट हमने के जो है अन्नदाता है और हमने के चाहे हमेशा ई हमने के दिमाग में चाहे रहे के कि जहाँ पर हमने है सर हमने से जस्ती अगर दू गो आदमी बा तो चार गो प्लांट चाहे रहे के तो ताकि वो लोग के भी जो हमने के जो एग्जिस्टेंस है वो लोग पर निर्भर बा तो हमने के चाहे प्लांट के हमेशा अपन से ऊपर रहे के जैसे कि बड़ी ला सर नेचर एंड ह्यूमन शुड कोहैबिट इन द सेम वे हमने के चाहे हमेशा प्लांट के जो है ओकरा रोपे के और ओकरा ओकर ख्याल रखे के वही ला सर मदर नेचर तो प्लांट हमने के मदर है एगो फासो में तो हमने काहे है जा प्लांट रोपत हैं सर बहुत जो है रीजन बा एगो रीजन है कि काहे कि हमने के जो जवान है आजकल हमने के जवान लोग वो लोग बिलीव नहीं करेलन सर है प्लांट सब रोपे के वो लोग
जब बुलबा से उलोकित चला से एगो प्लांट रोपब से तो बोलियन से कि नहीं हम तो लाबूरिया नहीं है, हमारा कहे चाहिए प्लांट रोपे के वो तो लाबूरिया के काम है। हमने जो है डिविजन ऑफ लेबर के बहुत सीरियसली ले ली है सर, तो हमने के क्या का चाहिए देखे के कि हमने के जवान लोग सिकियन से प्लांट भी रोपे, सिकियन से खाना भी बनाए, सिकियन से अपन लुगा धोए, अपन लुगा बनाए, सिकियन से सब करे, ताकि वो लोग के वो लोग इन द रियल सेंस आत्मनिर्भर हो सर, लाइक सेल्फ डिपेंडेंट हो सर। और प्लांट रोपे के एगो और जो है लाभोताज बा कि हमने से कब से जो इंसेक्टिसाइड्स जो है जो प्लांट पर जो हमने इस्तेमाल करी रहा सर ओकर जो यूज है से कब से घटाए ओकरा एगो लुत्फासों में से कब से बोले ऑर्गेनिक प्लांटिंग से कब से करे, ताकि हमने के जो जो फ्रूट्स हमने खाए ला सर या हमने के जो टमाटर बा जो पलदामुन बा जो बहुत सारे वेजिटेबल्स बा हमने से कब से ओकरा एगो प्योर फॉर्म में खाए लाइक ऑर्गेनिक फॉर्म में, ताकि हमने कीटनाशक तनकुट नहीं बती। हाँ एग्जैक्ट कीटनाशक नहीं हुई ओकर में और है हमने के हेल्दियर बनाए। और हमने के नहीं चाहिए दिपान हो के दूसरा रद्दी पर कि हमने से कब से अपन जो प्लांट बा अपन जो वेजिटेबल्स बा ओकरा किने के नहीं डिपेंडेंट हो अब सर। और एगो जो हमने के जो वजह है प्लांट रोपे के कि हमने के जो जवान लोग बा आजकल देखा है सर वो लोग बहुत बीमारी के शिकार हुआ था सर, जैसे कि जाबित बेजते वो लोग देखा था सर कि आजकल जवान से जवान लड़का लोग कैंसर हो बा लोग के तो लोग जाबित के शिकार हो गए सर। तो है सब काहे आवेला काहे कि हमने के सोसाइटी में एगो इनएक्टिविटी बा कि जवान लोग एक्टिव नहीं होवन सर, वो लोग खाली घर में बैठे लन सर, पोताब में रहे लन सर, टेलीविजन देखे लन सर, और अगर यही सब इस सब नहीं करत होवन सर तो खाली पढ़े लन सर। पूर्णाशा अभी नवा बरिस आवता और हमने के बहुत सारे नौजवान होवन जा उलो के कोन संदेश दिबा। हम एगो युवा होय के नाते अपन जो दूसर युवा बहन भाई के एगो संदेश देवब देवब जो हमने के नोवेल ओ आवता जो क्रिसमस आवता न्यू ईयर आवता हम एगो अपील करब कि हमने के युवा लोग पटाखा नहीं बजायन सर, काहे कि पटाखा बजाय के बहुत बहुत जो है ओकर ओकर डिजावोंताज है, एगो डिजावोंताज है कि वो बहुत पोल्यूशन करेला और दूसरा डिजावोंताज है कि वो हमनी के जो पशु बा हमनी के जो कुत्ता बा बिल्ली बा है सब हमार खुद के एगो बिल्ली बा हम हमार जो वाजा बा ओकर एगो कुत्ता बा हम ही देखी ला से कि कैसे जो जब नोवेल ओ के जो स्वागत हमनी करी ला सर जो इन्वर्टेड कमा स्वागत करी ला सर हो स्वागत जब हमनी पटाखा से करी ला सर तो वो लोग के बहुत हानि होला वो लोग नहीं से कलन सर बस वो लोग के जो जो कान है बहुत सेंसिटिव बा वो लोग के ऑडिटरी पावर हमनी से बहुत ज़्यादा बा और है ऑडिटरी पावर बा जो वो लोग के बा वो लोग है पावर बा हमनी के काम आवेला जब एगो चोर घुसेला घर में और एगो है होला और जब एगो चीज़ होला जो नहीं चाही हो के तो है पावर बा वो लोग के काम आवेला हमनी के और इंसान होने के नाते हमनी के कोनो हक नहीं बनेला कि हमनी हो पावर बा के इस्तेमाल करब सर और नोवेल ओ के जो लोकाजियों में बा ओकर जो पावा के ओकर पावा के नाश करब सर, तो हमने के चाहिए कंस्ट्रक्टिवली सोचे के thank you.
जी हाँ बिल्कुल, आज के जवान कार्यक्रम देखा था वह जा इ बखत हमने रुजबेल में है जा डीएवी कॉलेज में है जा एगो ओपन डे का आयोजन हुआ था और है जा जो नौजवान बातें वो लोग संगीत की दुनिया में भी बहुत ही सक्रिय हुआ जा। और इ वक्त हमने के साथ व्योमन बिठोला शर्मा बाते ओकर संगे हमने अब बतियाब जा। सबसे पहले नमस्ते व्योमन। नमस्ते जी व्योमन, हमने के पता हुआ कि काहे है जा आल हवा अपन सबन जितना जुन टीम बाते है जा अपन जितना जुन लोग है जा जितना जुन आपके जुन वाद बाते जुन यंत्र बाते आप लेकर आल हवा जा काहे या जुन है ओपन डे उगंजे करलन सही हां तो हम के है एगो लोकाजों लोकल कि हम यहाँ के अपन 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 संगतिया संगे अपन हम अपनी अपन लोग अपन का जून तबला है हाउ लेकर हमने आवब से हियाँ कुछ परफॉर्म करब से जिनमें जुन जुन युवक लोग यहाँ आए यहाँ हेमे भाग ले है ओपन डे में तो उन लोग के प्रेरणा मिली ला म्यूजिक में ढुके के ला म्यूजिक कच के करे के क्या कि ला म्यूजिक एगो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है एगो 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 युवक के जीवन में हमर 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 ओपिनियन पर्सनल है एगो युवक खातिन एगो एगो पुरुष खातिन एगो एगो व्यक्ति खातिन ला म्यूजिक एगो एगो बहुत ही एगो लासूस है एनर्जी के और ओके चाहेला संगे रखे के तो है ये के बढ़ावा देवे के हम हमने हिया अली सब। जी हाँ बिल्कुल, संगीत के प्रति ज़्यादा बढ़ावा देवे के चाहिए क्योंकि संगीत ही युवक की जिंदगी में सुधार लावेला। अब व्योमन हमने के ये बतावा कि आपके एगो टीम बाते है जो टीम स्पिरिट बाते बहुत ही अपन आप में बहुत ही सुंदर बाते बढ़िया बाते तो कैसे जितना जो युवक और युवती है टीम में आल बाते उन लोग के यात्रा कैसे शुरू होल हमने के जुन गोप बातें हमने लिकुल से हमने हमने आरम्भ कर ली सर हमने लिकुल से गोंदे से कॉलेज से हमने सब एगो एगो कॉलेज में जा चली सर एम जे एस वेल फ्रांस तब वहाँ से हमने के जुन प्रोफेसर है ला म्यूजिक के हमारे प्रोफेसर वोकाल हमने के प्रोफेसर तबला वो लोग हमके हमने के गिदे कर लन सर हमने के गिदे कर लन सर कि कैसे है पाचकी करे की तबला हमने जुन जुन जितना लड़का लोग बाते हमने के ग्रुप में सब तबला से डिब्यूटी कर ली सर तबला से हमने आरंभ कर ली सर म्यूजिक और दुश्मन दुश्मन जैसे कले कले वो लोग दूसरे इंस्ट्रूमेंट में दूसरा इंस्ट्रूमेंट प्राच के कर लें सर तब हाउ सब हमने के प्रोफेसर के गिद से होल और ये हमने के है जो ग्रुप रहल ये है ये से फोमे होल कि हमने सब में एगो सिमिलारिटी बातें कि हमने सब ला म्यूजिक प्राच के कर ली सर हमने में एगो रुचि रहल हमने कुछ नहीं जानी ला सर जाना चली सर हाउ ले पकवा में पर जब हमने साथ बैठी ला सर हमने गावी ला सर तब हमने देख लन सर कि हमने में एगो 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 गुण बाते और ये है गुणवा जब हमने ओके पौताजे करत हैं सर साथ में तो एगो एगो सत्संग जैसे बोलल जला एगो सत्संग होता थे तो हुए ग्रुप दुश्मन दुश्मन हमने मोते होलक हमने हिया लेकर आईली सर हमने के ग्रुप में आठ गो जना बाते और हमने सब ला म्यूजिक में दिलचस्पी रखिला सर और ये हमने सब दूसर लोग के दूसर युवक लोग के दूसर वृद्ध लोग के दूसर व्यक्ति महिला व्यक्ति सब सब कोई के हमने अंकुराजे कर लिया सर ये तू आवा हमने संगे आवा हमने संगे गावा हमने संगे बजावा कहे कि हाई एगो एगो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हमने हमने के लिए और हमने हमने खातिन हई एपोतों बातें कि हम जुन जुन हमने सीख ली सर हम के चाहेला ओके पोताजे करेगी। जी हाँ बिल्कुल, तो है जा इस बात की पुष्टि हो था जो नौजवान गायक या फिर गायिका होवन जा है संगीत के जो टोली बाते वो लोग ना खाली अपन ग्रुप के मतलब बढ़ावा देवत होवन जा बल्कि दूसर लोग के भी है ग्रुप में शामिल होवे के उ लोग मतलब एगो एगो मांग करत हवन जा एगो अपील करत हवन जा ताकि अन्य जो युवा युवती उ लोग अयन जा और है टोली में शामिल हो करके उ लोग भी संगीत के प्रति अपन भीतर के जो हुनर बाते उ लोग दिखावे के बहुत बहुत प्रयास करत हवन जा। Thank you.
लीजा कि हैजा ढेर जुन मतलब जुन लड़की बातें हैजा उन लोग हल्दी के गीत गावत हवन जा त कहे है सब ऐप होता बाते हमर हमर विचार से जुन छुक्रियन गीत गवाई के गीत गैलन सा हल्दी के गीत गैलन सा है हम की एगो निवोते लगल हम पहले हम प्रथम बार हम देखनी जन जन छुक्रियन लोग के है गीत गाते समय हम निकली है एगो बहुत ही अच्छा चीज़ है कहे कि है हम निके किलचिया है हम निके किलचिया में फोन पहुँच करेला तो है एगो एगो है एपोता है कि हमनी जो न्यू जनरेशन बाते अपन किलचिया के लेके साथ चली हम अपन जीवन में जो है लोग है चोक्रियान लोग करलन हियाँ गैलक जब वो लोग माँ बनी तो वो अपन बेटी की सिखाई है ये से हाउ जेनरेशन टू जेनरेशन है पासे हुई हमने के किलचिया जे है छुक्रियन डिसीडे नहीं कर नहीं 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 कर ले रहल गाय के है गीतवा तो हमने के किलचिया यहाँ मर जात ओकर जेनरा जुन जो जुन नेक्स्ट जेनरेशन आवत आते ओके है नहीं मिलत तो है एगो है जेनरेशन वा एगो बोन डिसीजन ले रखा फ्यूचर जेनरेशन के लिए त
तब फ्यूचर जो आशो तब जब हई पासे हो तब हई ऐसे विवाह रही क्यों हम कहे कि हई हई रेजों से हई हमार खातिन ए पोता बातें जी हाँ बिल्कुल मतलब गीत गवाए जो इन बातें हल्दी के जो इन गीत बातें हमने के विश्व विरासत सूची में शामिल बातें यूनेस्को द्वारा और हैजा मॉरिशस के स्तर पर भी गीत गवाए हल्दी के जो इन गीत बातें ओकर प्रचार प्रसार हुआ था और आज के जवान कार्यक्रम में एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सकबजा दिखे चौका तेरे बैठेला सूरज बेता अमा से अरज करे अमा से अरज करे हो हम हमरो हरदिया के साथ हरद्यामो को चाहे लहो बैठेला सूरज बेटा अमा से अरज करे अमा से अरज करे हो अम्मा हमरो हरदिया के साथ हरद्यामो को चाहे लहो अम्मा हमरो हरदिया के साथ हरद्यामो को चाहे लहो सुन के कतोरिया में पिसल हरदिया हो अम्मा चढ़ावे हल्दी तेल जी मन भर चढ़ैया अम्मा दिल भर चढ़ैया हो हृदय से दिया न आशीष जी सुन के बाबा चढ़ावे हल्दी तेल की दिल चढ़ैया बाबा दिल भर चढ़ैया हो हृदय से दिया न आशीष जी हृदय से दिया न आशीष जी हृदय से दिया न आशीष जी जी हाँ बिल्कुल आज के जवान कार्यक्रम देखा था वजह और ई बखत हमने के साथ किरण कतारी बते सबसे पहले नमस्ते किरण जी नमस्ते अभी किरण हमने के बतावा कि आज आप हैजा मतलब ओपन डे में अला हुआ कैसे बुझाता कैसे महसूस हुआ था सबसे पहले हमारा ढेर ढेर अच्छा लगा था हैजा आके हैजा के वातावरण ढेर निमन बा जितना कुछ जितना स्टॉल बा हैजा जितना फैसिलिटी जितना वो ये थे हमने के मिलल बा ढेर ढेर आपके सुनो और जितना कुन जवान है जहाँ लोकल हमरा सेवी करत हुन सा अपन सब लेने एनर्जी डालत हुन सा जितना काम करत हुन सा जवान लोग है देखे तो हमरा ढेर ढेर नहीं मन लग दन ढेर आपके सुने हुए लिया तो जितना हमने के जिन नौजवान है कार्यक्रम देखा तो हुन जा उले कोई कोई संदेश देवा हम इतने बोला नौजवान अगर चाहे तो ढेर चीज़ पॉजिटिव सकी करे सकारात्मक जो बरिस आवता और अभी से चाहेला शुरू करके जितना कोई जवान बा हमने के चाहेला और हमने से छोटा जवान लोग के चाहेला एगो नीमन एग्जाम दिखावे के नीमन राह पर चले के अपन जितना ऊर्जा बाले नियजी नीमन चीज में पॉजिटिव में डाले के तब जाके हमने के देश आगे बढ़ी नौजवान लोग और पावरफुल हो सब जी हाँ बिल्कुल हैजा ये बात की पुष्टि हो गया था कि जो नौजवान बते उन लोग ही हमने के देश के आर्थिक विकास में योगदान देवे लन जाता अपन आप में उन लोग के बहुत ही मजबूत रहे के चाहिए तो बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी की हैजा आ करके आप हमने के जन जन जवान लोग के एगो संदेश दिला बहुत बहुत धन्यवाद तो युवा दर्शकन आज के जवान कार्यक्रम हैजा समाप्त हुआ था बकेर अब भी हमने के कार्यक्रम में सकबजा शामिल हो हमने के पता है आज के जवान प्रोग्राम भोजपुरी चैनल एमबीसी मुका तब तक अभी की ओर से नमस्ते।